हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ब्लू हेवन के ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन स्टिक का रिव्यू। आज यहाँ पे दो शेड है क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा शेड मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सेट बैठेगा, तो मैंने क्रीम और वनीला दोनों को ऑर्डर कर दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो क्रीम है वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बैठेगा, बट इसका उल्टा ही हो गया। क्रीम जो है वो मेरी स्किन टोन को थोड़ा डार्क कर रहा था, तो ये जो वनीला शेड है ये ठीक लगा अपने स्किन के अकॉर्डिंग। और अभी मैंने ये जो मेकअप किया है ना वो भी इसी फाउंडेशन स्टिक से किया, और आप देख सकते हो जो मेकअप का बेस है वो कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम स्मूथ दिख रहा है। फाउंडेशन स्टिक्स कैसी हैं, इनकी कवरेज कैसी है, इनका टेक्सचर कैसा है, मैं पहले ये प्रोडक्ट की डिटेलिंग जो है, जो मैं हमेशा आपको हर प्रोडक्ट की डिटेलिंग बताती हूँ ताकि आपको ना कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, तो फटाफट से मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ। उसके बाद ये जो मैंने मेकअप किया है ना इस फाउंडेशन स्टिक से, कैसे किया वो भी आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन स्टिक। वाटरप्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, और साथ ही साथ अल्ट्रा ब्लेंडिंग ये आपको देता है। इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मैंने इसे यूज़ किया, मुझे इसकी ब्लेंडिंग बहुत पसंद आई है। प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ आप देख सकते हो 100 रुपीज़ इसका MRP है। आपको और अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप नायका पर्पल वगैरह से इसे परचेस करोगे। तो शेड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतने सारे शेड्स मिल रहे हैं। अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक राइट शेड ज़रूर चूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग पहले ये क्रीम ब्लश वाली शेड जो थी मंगवाई थी, बट ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क जा रही थी, देन मैंने फिर ये दूसरी वाली वनीला शेड मंगाई है। तो आउटर पैकेजिंग आपने इसकी देख ली, अब ये इनर पैकेजिंग इस तरीके की ब्लू कलर की है, और यहाँ पे शेड आप देख ली, मेरे पास दोनों ही है क्योंकि फिर एक शेड जो मेरे पे सूट नहीं किया था ना इस वजह से। ये वाली जो शेड है ये है क्रीम ब्लश। ये अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि नहीं ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ठीक है, बट मैंने इसे जब अप्लाई किया ना तो मुझे मेरा जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा डार्क दिख रहा था, तो इसलिए मैंने वनीला को ऑर्डर किया। और वो एक बार को तो लगा कि थोड़ा सा मतलब वाइटनिंग इफेक्ट दिया उसने, बट ना थोड़ी ही देर में वो स्किन में बिल्कुल सेट हो गया था, तो वनीला मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी जो ब्लेंडिंग मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है। कई बार क्या होता है किसी किसी पेन स्टिक को ब्लेंड करना मुश्किल होता है, बट इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, लेकिन अगर आप ड्राई स्किन वाले भी हो ना तो आप इसका यूज करने से पहले, इसे अप्लाई करने से पहले एक मॉइस्चराइजर का अच्छे से यूज कर लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और अच्छी कवरेज भी देता है, आप देख सकते हो अच्छी कवरेज भी ये देता है, इजिली ब्लेंड हो जाता है। मुझे स्टिक बहुत पसंद आई है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस प्रोडक्ट को लेके, तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है। प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट काफी अच्छा है, तो आप प्लीज इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फाउंडेशन स्टिक को लगाने से पहले मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा पहले प्रेप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें लगाना है टोनर, फेस वॉश मैंने कर लिया था, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टोनर। तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ही टोनर यूज कर रही हूँ, रोज वाटर टोनर है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, अगर आप इसे लेना चाहो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा टोनर है। तो फटाफट से टोनर लगाने से ना हमारे जो पोर्स हैं जो फेस वॉश करने के बाद ओपन हो जाते हैं, तो वो जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ टोनर का अगर आप डेली यूज करते हो तो आपके चेहरे पे ग्लो जो है वो बना रहता है। टोनर को अब हम अपनी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे, वाटर बेस्ड होते हैं, बहुत फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। टोनर मेरा अच्छी तरीके से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी सीरम। ये मेरा लैक्मे 9 to 5 का विटामिन सी सीरम है, इसका भी रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा ये सीरम, मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो टेक्सचर है, और साथ ही साथ इतनी गर्मियों में भी ना ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं करता है, एकदम से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ ना इसका रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके स्किन प्रॉब्लम्स पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये काफी अच्छा सीरम है, अगर आप इसकी डिटेलिंग वगैरह जानना चाहते हो ना, मेरे चैनल पे इसका रिव्यू है, उसमें आपको इस प्रोडक्ट की ना सारी डिटेलिंग जो है वो मिल जाएगी। आप देखिए कितनी जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, और साथ ही साथ ना आप इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल करोगे आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगा। मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर, ब्लू हेवन का प्राइमर है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपकी स्किन किसी भी टाइप की होना आप पे सूट कर जाएगा। ऑयली स्किन वालों के लिए इस तरीके के जो प्राइमर है वो बहुत अच्छे रहते हैं।
तो थोड़ा सा अब हमने प्राइमर लेना होता है, उसके बाद अपनी स्किन में इसे अच्छी तरीके से हमें अप्लाई करना है। जहां जहां आपको मेकअप लगाना होता है ना, उससे पहले अगर आप प्राइमर लगा लेते हो तो क्या होगा, आपके मेकअप को एक तो ये बहुत ही फ्लॉलेस सा ये बेस देगा, इसके अलावा ना आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में ये एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है जो भी आप अप्लाई करोगे मेकअप, जितना भी अप्लाई करो ना, तो वो आपके स्किन तक नहीं पहुंचता है, जिससे आपकी स्किन सेफ रहती है। तो एक फ्लॉलेस बेस देने के साथ साथ जो प्राइमर है वो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेरी स्किन रेडी हो चुकी है, बिल्कुल प्रेप हो चुकी है, तो अब बारी आ गई इन फाउंडेशन स्टिक की। तो मेरे पास यहाँ पे दो शेड है, एक है 201 क्रीम और एक है 101 वनीला। तो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग जो शेड जाएगी वो है वनीला, क्योंकि ये जो क्रीम वाला शेड है जैसे मैंने आपको दिखाया है, मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा डार्क है। ये अब इसको फटाफट इसका एप्लीकेशन करते हैं। जब आप प्राइमर लगा लेते हो ना अपने स्किन पे, तो आप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करते हो, बहुत स्मूथली जो है वो ब्लेंड होता है आपकी स्किन में। तो प्राइमर तभी कहते हैं, मेकअप से पहले प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमें कंसीलर का यूज नहीं करना है। तो मैं अपने आई एरिया के आसपास इसी का अच्छी तरीके से यूज करूंगी, ताकि देखते हैं ये कैसी कवरेज देता है क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। थोड़ा सा नेक पे भी लगाएंगे, हमारा नेक एरिया और कान जो है वो ऑड ना लगे, सब एकदम इवन लगे। तो मैंने अब अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है। तो अब ये स्टिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर ली है, अपने पूरे फेस को, नेक को मैंने कवर कर लिया है। अब ना मैं एक साइड इसको ब्रश से ब्लेंड करूंगी, दूसरी साइड मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, ताकि आपको पता लगे इसकी ब्लेंडिंग कैसी है। तो यहां मैं इस साइड अपने ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ना रगड़ के इसको ब्लेंड करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो इसकी कवरेज भी जो है अच्छी नजर आ रही है। मैं खुद इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, आपके सामने ही मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो जो इनकी पहले जो पुरानी पैकेजिंग में स्टिक आती थी वो तो मैंने यूज कर रखी है, लेकिन ये जो न्यू पैकेजिंग में आई है ना, इसका यूज मैं आज पहली बार कर रही हूँ, और मैं देखना चाह रही थी कि ये स्टिक जो है कैसा काम करती है कैसा काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें कह रखा है इन्होंने कि ये मतलब ऑयल फ्री लुक देती है, साथ ये स्टिक जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक देती है। तो ब्लेंडिंग तो इसकी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो रही है, और बहुत इजीली ये ब्लेंड हो रहा है। अभी ना ये आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि वाइट वाइट लग रहा होगा, बट थोड़ी देर में ना ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी जरूर होते हैं। अभी थोड़ी ही देर में ये आपके स्किन में ना एकदम सेट हो जाएंगे। तो देख सकते हो कि ब्रश से ब्लेंड करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसे ब्लेंड करना बहुत इजीली ही ब्लेंड हो गया है, बहुत आराम से ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आप चाहो हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से ब्रश वगैरह से या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे ना, तो आपको कवरेज अच्छी मिलेगी। तो अच्छी तरीके से अब अपने नेक पे भी हम ब्लेंड कर देंगे, ताकि ये एकदम इवन सा लगे, ऑड ना लगे। साइड आप देख सकते हो कि ये बहुत ही जल्दी बहुत फटाफट ब्लेंड हुआ है, इसको ब्लेंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत फटाफट से ब्लेंड हुआ है, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अच्छी एक कवरेज भी दी है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी फिनिश भी नजर आ रही है। तो अब इस साइड तो हो चुका है, ब्रश से मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इस साइड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, ताकि पता लग जाए ना कि दोनों से ही इवन कवरेज मिल रही है या कम ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसने कवरेज भी दी है, एक बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस सी फिनिश भी मुझे दिखाई दे रही है। और अब मैं इस साइड जरा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगो रखा था, ताकि वो बिल्कुल रेडी रहे जब मैं इसका यूज करूं। इसका पानी मैंने बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है, और ये मेरा ब्लू हेवन का ही ब्यूटी ब्लेंडर है, काफी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके जरूर देखो। और अब ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करके देखती हूँ ये कैसा ब्लेंड कर रहा है। ब्लेंडर से भी इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा है, मींस इसको ब्लेंड करना जो है ना
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही एक स्मूथ टेक्सचर के साथ ही आपको फाउंडेशन स्टिक मिल रही है, जो कि मुझे काफी पसंद आ रही है, क्योंकि जिस चीज का टेक्सचर अच्छा होता है ना, उसको अप्लाई करने में आपको अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्सचर ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप देख सकते हो कि इससे मुझे कवरेज भी मिल रही है। फाइनली अब आप देख लीजिए कि आपको इस फाउंडेशन स्टिक की कवरेज कैसी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे इसकी कवरेज अच्छी लगी है। आप देख सकते हो आंखों की आसपास की डार्कनेस जो होती है वो इसने हाइड की है। अगर आपको पिंपल के मार्क्स वगैरह होंगे वो भी ये हाइड करेगा। ओवरऑल इसकी जो कवरेज है, इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया है। इतनी फटाफट से ब्लेंड हो रहा है, ना ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर से टाइम लगने वाला है, ना ही आपको ब्रश से टाइम लगने वाला है। आप हाथों से ब्लेंड करना चाहो तब भी कर सकते हो, मतलब बहुत स्मूथ टेक्सचर है। और देखिए, लगाने के बाद अभी मैंने कॉम्पैक्ट से इसको बिल्कुल भी सेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ऑयली ऑयली सा या ग्रीसी ग्रीसी लग रहा है। तो जब आप इस फाउंडेशन स्टिक को लगा लें, तो उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको थोड़ा सा जरूर सेट करें। आप कोई भी फाउंडेशन लगाएं या आप कोई भी बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाते हैं, अगर आप पाउडर से उसको सेट कर लेते हो ना, कॉम्पैक्ट पाउडर से, लूज पाउडर से, आपको जो भी पाउडर पसंद है आप उससे उसको सेट कीजिए। फिर इससे क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो बेस आपने यूज किया है, जैसे मैंने आज यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टिक यूज की है, तो ये बिल्कुल भी पैची नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे अब अच्छी तरीके से इसको मैंने सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर से, और कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के बाद भी जो इसकी फिनिश है वो एज इट इज वैसी की वैसी ही है। बहुत अच्छी लगी मुझे फाउंडेशन स्टिक, मुझे पसंद आई है ये वाली फाउंडेशन स्टिक। तो आप भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। एक तो इस तरीके की फाउंडेशन स्टिक से ना मेकअप करना बहुत इजी हो जाता है। फाइनली मैंने पाउडर से इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, तो जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं थोड़ा सा सिंपल सा बेसिक मेकअप और फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ।
सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कंप्लीट मेकअप करूंगी, मैंने सिर्फ आपको फाउंडेशन स्टिक का रिव्यू करना था, बट पता नहीं क्यों क्या हुआ कि जब मैंने स्टिक लगाई ना तो मेरा दिल किया कि मैं कंप्लीट ही मेकअप कर डालूं, तो मैंने बहुत जल्दी और बहुत फटाफट से मेकअप किया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आप इस फाउंडेशन स्टिक को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। गाइज मुझे ये फाउंडेशन स्टिक्स बहुत पसंद आई हैं। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक राइट शेड चूज कर लीजिएगा। अगर राइट शेड हम चूज ना करें तो हमारी स्किन टोन जो है डार्क लाइट अजीब सी दिख सकती है, तो राइट शेड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे वनीला शेड बिल्कुल सेट लगा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी शेड एक राइट शेड अपने लिए चूज कर लीजिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो ये ब्लू हेवन की फाउंडेशन स्टिक को लेकर। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।